अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चिकन बोटी रोल। मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूं टोटिया ब्रेड का। आप चाहें तो इसे चपाती में या पराठे में भी बना सकते हैं। रमज़ान में हम वैसे ही काफ़ी सारा डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, इसलिए मैं इसे टोटिया ब्रेड में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है। चिकन आप देखें, इतना मैंने कट कर लिया है। जितनी छोटी बोटी रखेंगे उतना अच्छा रोल बनेगा और झटपट ये चिकन गल भी जाता है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सिरका ले लिया है, आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, कॉर्नफ्लोर है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ बेबी कोकम्बर ले लिए हैं मैंने, काफ़ी खट्टे खट्टे से होते हैं ये, आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद तो मत डालिए। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, ये मसाला मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ये मसाला ले लिया है। 1/2 कप दही, कॉर्नफ्लोर हम डालते हैं दही में और इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इसे करते हैं साइड पे और अब बनाते हैं इसका सॉस। यहाँ मैंने केचप ले लिया है, 1/2 कप से भी कम है, और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज, और मेयोनीज के बाद इसमें डालेंगे माय फेवरेट मस्टर्ड पेस्ट। तो मैंने डाला है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। आपको नहीं पसंद तो मत डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। आई लव मस्टर्ड। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जी। तो सॉस भी हमारा रेडी है। तो पैन में हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, ये देखें बस इतना सा, इससे ज्यादा नहीं डाला। इसमें ऐड करते हैं चिकन। फ्राई हो रहा है, इसका कलर देखिए चेंज हो गया। अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। और इसे कवर कर दूंगी, सिर्फ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसे फ्राई किया है। अब इसे कवर कर देते हैं ताकि चिकन हमारा अच्छे से अंदर तक गल जाए। चिकन हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, ये देखें बिल्कुल ऐसे टूट रहा है। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी और कुटी हुई मिर्चें, नमक, सूखी मिर्च, चाट मसाला और ये घर का मसाला, इन सबको डाल देंगे। और अब इसमें डाल रहे हैं हरी प्याज, का ग्रीन पार्ट मैंने डाला है। इसमें ऐड करेंगे दही, जिसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया हमने, बस अब इसे कवर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दही का पानी हमें खुश करना है और चिकन रेडी। और इसे देंगे अभी कोयले का दम। अब इसमें ऐड करते हैं सिरका, आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे करते हैं फ्लेम को ऑफ। यहाँ चिकन हमारा बिल्कुल डन है, अभी करना क्या है, यहाँ रखेंगे फॉइल। इसका एक बाउल बना लिया है मैंने फॉइल का, इसमें रखेंगे कोयला, इस पे डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और कर देंगे कवर। चिकन रेडी हो गया, यहाँ ग्रिल पैन रखा है, इसे करते हैं ऑयल बुश बहुत लाइट सा, और इस पे हम रखेंगे टोटिया ब्रेड।
और इस साइड पे भी ऑयल पुश कर देंगे बिल्कुल लाइट सा। और अब इसकी साइड को चेंज करते हैं और ये देखें दूसरी साइड से भी अच्छा हो गया है। फिर से ऑयल ब्रश करेंगे इस पे भी बहुत अच्छा कलर आ गया है। सबको हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिया है, इसके बीच निकाल दिए थे। प्याज को बारीक कट करके बर्फ वाले पानी में डिप किया और उसके बाद इसे सिरके में डिप कर दिया था, तो इससे ये क्रिस्पी भी हो गया है और खट्टा भी हो गया है। शिमला मिर्च को भी हमने काफ़ी बारीक सा काट लिया है देखें, और इसे भी मैंने सिरके में 5 मिनट डिप कर दिया था। कुकम्बर को हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। अच्छा, इन पे सबसे पहले हम ये सॉस लगाएंगे। इसमें डाल देते हैं चिकन। लेंगे शिमला मिर्च, अब इस पे डाल देते हैं प्याज और अब डालेंगे टमाटर। अब डालेंगे बेबी कुकम्बर। अब इस पे दोबारा से सॉस डालेंगे। अब हमें ये बटर पेपर ले लिया है, बटर शीट को हम ऐसे यहाँ से फोल्ड करते हैं, ऐसे यहाँ से फोल्ड कर दिया और यहाँ से भी फोल्ड कर दिया। ये शेप हमने इसकी बना ली है। अब इसको ऐसे रोल करेंगे और यहाँ से बटर पेपर को भी ऐसे ही रोल करेंगे। सिंपल, हमारे रोल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए झटपट रेडी हो गए हैं। इस तरह से खूबसूरती से बना के रखिए, जब भी कोई दावत वगैरह होती है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही सालमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।